तो गाइस हम लोग जाने वाले हैं परसों लोनावला, तो उसकी तैयारी के लिए हम लोग मतलब थोड़े टाइम में अभी निकलने वाले हैं। मतलब जैसे बहुत सारी शॉपिंग बाकी है, बहुत सारा सामान लेना है क्योंकि आपको पता है लोनावला जाएंगे तो सामान दूसरे फैमिली भी जा रही है, पूरी फैमिली जा रही है साथ में। हम लोगों ने 20 सीटर बस किया है इसके लिए अभी तो, और बस में सब लोग जाने वाले हैं आराम से गाइस, बहुत मजा आने वाला है। तो 12 बज रहे, हम लोग 4 बजे या 5 बजे जाएंगे क्योंकि अभी बहुत धूप होगी, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा रुके एंड अभी थोड़े काम जो घर के काम है वो कर लेते हैं, जैसे पैकिंग वैकिंग वो निकालना कुछ भी सामान, बट जो बाहर का काम है वो थोड़ा शाम को करनी है एंड जो भी सामान है जो लेंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। मेरी दीदी भी आ चुके हैं और हम लोग जा रहे हैं अभी फिलहाल डी मार्ट, बिकॉज हमें करनी है लोनावला जाने की नाश्ते की तैयारी और थोड़ा सा बहुत सामान वगैरह भी लेना है, तो उसके लिए अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट और वहाँ से हम सारा सामान लेने वाले हैं। एंड मेरे ये जो आम है वो अभी तक गए नहीं है और लोनावला जाने वाले हैं, तो हम ऐसे जाने वाले हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं। बदो मसी बदो, चलो ले लो एक कार ले लेना। ये कार है गाइस, ये ना पहले मेरा मतलब जब हम लोग मैं डैडी अम्मी सब जाते थे ना सामान लेने, मेरा फेवरेट होता था, भले सामान कुछ भी हो पर मैं ये लेता था क्योंकि मुझे बहुत मजा आता था। तो चलो आज मैं चलाऊंगा ये गाड़ी और मैं बैठूंगी। इतना नहीं दबाना है इरफान, उसको इतना नहीं दबाना है, क्या कर रहे हो ये? पीछे वाला लो इरफान, पीछे वाला ज्यादा फ्रेश होता है, जस्ट इंडियन थिंग गाइस। जान अलग अलग फ्लेवर के लो ना, नहीं नहीं एक ही फ्लेवर के लो, सब लोग लड़ेंगे फिर। मुझे समझ में नहीं आ रहा है हम लोग दीदी को क्यों लेकर आए अपने साथ, दीदी जब तक तब से फोन पे ही बात कर रहे और यहाँ पे बेचारे मेरे हस्बैंड बहुत गर्म है। ये इरफान ने बोले कि बाय वन गेट वन फ्री वाला ही नहीं, ये मेरा फेवरेट बिस्किट भी है, तो अगर मैं बाय वन नहीं लेता तो भी ले लो। पे बहुत गर्दी है और हम लोग एक्चुअली आए भी हम लोग कभी है वीकेंड पे, यहाँ पे बहुत और इधर सामान ले। तो गाइस यहाँ से हम लोग बिस्किट में इतने कंफ्यूज हो गए कि मैरीगोल्ड लेना चाहिए क्रैक जैक, तो मेरा फेवरेट तो क्रैक जैक है। तुम्हारा सबसे फेवरेट कौन सा है? मेरा सबसे हाँ ये डार्क फैंटेसी मेरा सबसे फेवरेट। इतना रश है कि एक दूसरे से लोग टकरा रहे हैं और पीछे रह जा रहे बार बार और हम लोग आगे आ जा रहे हैं, हॉर्न बजा बजा के चलाओ। एक बार लोगों को जीरा दिख रहा है, मुझे तो यहाँ पे जीरा दिख रहा है। सना अगर तुमको नहीं दिख रहा तो हम लोगों को कैसे दिख रहा है? मैं डोरा द एक्सप्लोरर बन रही हूँ, क्या आपको जीरा दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, कहाँ दिख रहा है? अरे तो लेज मत लो गाइस, ये देखो इरफान को, मतलब ये आदमी हर जगह किसी ने भी छेड़ा गाइस, इतनी लालची औरत है, जहाँ देख रही है ना एक पे एक फ्री, वहाँ सबसे पहले भाग रही है, सबको धक्का वक्का देके। तो ये ले, ये भी देख, सामान पकड़े है सब अपने खाने के लिए ले रहे है दीदी, ये तो सारा सामान पकड़े, हमारी ट्रॉली रखी है वहाँ, हम लोग ले लेके नहीं घूम रहे, इसे सब सामान हमारे हाथ में ही है। दीदी ना हर पार कर रहे हैं, उठा रहे ना, ये खुद के लिए उठा रहे हैं, मैं कंफर्म बोल सकता हूँ। हाँ अभी पता चल जाएगा सबको, कल ब्लॉग अपलोड करेंगे ना। और ये देखो गाइस हमारा, मेरे हाथ में सामान है, इरफान के हाथ में भी सामान है, टूट जाएगा। तो मुँह पे आ भी नहीं रहा यार मेरे, तो फिर मुँह पे आ गया, मेरे मुँह पे भी आएगा दीदी अगर टूटा ना सना। अरे दीदी दीदी टूट गया गया गया। द रीज़न आई लव हिम द मोस्ट, इसके अंदर मेरा बैग है बट पकड़ा उन्होंने, ऐसी बनो गई थी, ऐसी बनो देख रहे अपने लिए चश्मा। ओ दुबई, दुबई की अभी चश्मा देख रहे गाइस, दीदी कितना गंदा मुंह बना रहे यार, दीदी कितना गंदा मुंह बना रहे हो दीदी, समझी ना, कुछ भी मत बोला करो, वो बना नहीं रहे। हमारा पूरा सामान आ चुका है एंड बड़ी मुश्किल से इरफान लेके जा रहे हैं आगे, बिकॉज आगे बहुत ज़्यादा गर्दी है, ये पहले से लाइन में खड़े हुए थे और अभी हम ये सामान लेके जा रहे हैं, हमारा बिल हो रहा है। यहाँ पे दीदी और इरफान मिलके ये जो कैरी बैग है उसमें फिल कर रहे हैं सब चीज़ें, एंड गाइस आप लोग अंदाज़ा हम लोगों को बताओ कि बिल कितना हुआ होगा। अभी यहाँ से हम लोग सामान लेके वहाँ पे गाड़ी पे रखने वाले, ये मुझे दे दो, चलो ये इरफान ने पूरा सामान, एंड गाइस यहाँ पे ना पूरा खुदा हुआ है ना, तो उस वजह से हम लोग गाड़ी अंदर नहीं लेके आ सकते, तो इसलिए इरफान भारी है
और अभी हम लोग यहाँ पे गाड़ी में डालेंगे सामान। ट्रैफिक है और इरफान देखो कैसा खड़े होकर देख रहे हैं यहाँ पे किस चीज़ का ट्रैफिक है। पंचायत खड़े होकर देख रहे हैं ट्रैफिक क्यों है, कुछ दिखा कि क्यों ट्रैफिक है। अच्छा इसलिए ट्रैफिक है। जो भी हमने सामान लिए थे हम घर पे आ गए थे और बेचारे मेरे हस्बैंड वो सामान घर पे रखने गए थे चढ़ के। और आज चलो जान सो गाइस आप लोग हमें बताना जितना हम लोगों ने सामान लिए थे उसका बिल कितना हुआ होगा, कुछ अप्रॉक्स बताना कि कितना हुआ होगा। हम देखते हैं कमेंट्स करके आप बताना है कितना बिल हुआ होगा, हम देखते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो अभी हमारी पैकिंग चल रही है, यहाँ पे मेरे पूरे कपड़े पड़े हुए हैं, यहाँ पे मेरा पूरा कपड़ा पड़ा हुआ है, यहाँ वहाँ पे मेरे हस्बैंड पड़े हुए हैं। गाइस मैं कपड़े डिसाइड करी थी तो ये वही वाला कपड़ा है जो मुझे खाला ने मेरे बर्थडे पे दिए थे। एक ये कपड़ा है और एक मेरे पास कॉट सेट भी है जो कि रेड कलर का है ये वाला। सो गाइस मैं ये वाला कॉट सेट पहनने वाली हूँ और ये वाला जो कॉट सेट है वो पहनने वाली हूँ। दोनों कॉट सेट ही है मेरे पास सो मैं दोनों जो है वो कॉट सेट ही पहनने वाली हूँ। इसका नीचे का भी है, मैं भी आप लोगों को पहन के दिखाती हूँ। सो ये देखो गाइज ये पूरा ऐसे कॉट सेट है। सो कल मैं ये पहनने वाली हूँ बट आई एम नॉट श्योर कि ये मैं हम जाएंगे तब पहनूंगी बिकॉज इसमें मुझे बहुत गर्म हो रहा है बिकॉज ये जो कपड़ा है वो थोड़ा सा मोटा है। सो आई एम नॉट श्योर कि मैं ये जाने के टाइम पे पहनूंगी या वहाँ पहनूंगी, वो मैं डिसाइड करूंगी कि मुझे कहाँ पहनना है। सो दिस इज एंड इसके पॉकेट्स पे जो है वो डिज़ाइन है, दोनों साइड पॉकेट्स पे डिज़ाइन है। गाइज मेरे जो सात कपड़े हैं मैंने तीन जोड़ी कपड़े लेने थे, मैंने वो तीन जोड़ी कपड़े अपने ले लिए बट अभी मुझे लेने हैं मेरे जो हम पूल में कपड़े पहनेंगे वो कपड़े। सो उसके लिए कबर्ड खुलता है इरफान का बिकॉज मेरे पास नायलॉन के ऐसे है नहीं तो इरफान की शर्ट मुझे बड़ी ही होती है तो मैं सोच रही कि इरफान के कपड़ों में से कुछ पहन लूँ नायलॉन का। हमारा खाना पीना हो चुका है और अभी हम जा रहे हैं नीचे बिकॉज हमको कल के लिए चिकन वगैरह लेना है बिकॉज हम वहाँ पे करने वाले हैं बारबेक्यू। तो इसके लिए चिकन लेना है। पैकिंग मैंने अपना सब कपड़ा है ना सब निकाल के रखा बिकॉज मुझे ऑब्वियसली थोड़ा सा टाइम लगेगा, इरफान को क्या ही कुछ भी पहन सकते हैं वो। गाइस हम लोग लड़के लोग को इतना कुछ मसला नहीं, हम लोग तो क्या बस ट्रैक और टी-शर्ट में भी। और दूसरी बात इनकी शादी भी हो गई है हाँ तो इतना कुछ है नहीं तो बस थोड़ा सा मैं मतलब लेने जा रहा हूँ नीचे, देखता हूँ एक दो चीज अगर मिलेगी तो, बाकी अगर नहीं भी मिला तो ऐसा कुछ मसला नहीं है। बाकी जा तो हम लोग ऐसे भी सकते हैं, हम लड़के हैं। हाँ एंड हम मिलते हैं आप लोगों से। एंड गाइस वहाँ पे एक और ब्लॉग होने वाला है तो ये ब्लॉग वो ब्लॉग ये ब्लॉग मिक्स नहीं करते। चलो ठीक है छोड़ो, इसको जेम्स दो इरफान, हाथ गा के लिए जेम्स लेकर आओ, गा को दो जल्दी ला के दो यहाँ पे आज गाको दो जेम्स दो गाको दो एक और एक दो इरफान एक दो इसको दो गाको दो गाको दो जल्दी दो जल्दी दो थकते भी नहीं हो रहा। वाओ तो गाइस अभी हम लोग सामान लेने जाने ही वाले थे उससे पहले सना को भूख लग गई एंड सना ने बोला कि मुझे भूख लग रही है तो कुछ खा लेते हैं हम लोग ये गर्मा गर्म समोसे खा रहे हैं। यहाँ से बस पास हो रहे थे तो मुझे बहुत एकदम क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं यहाँ पे मेरी एक्टिवा पे। समोसा भजिया चटनी गिराए यहाँ पे इरफान ने और बस हम लोग समोसे डेट पे आए हैं। यहाँ पे आए अभी कोक वगैरह ग्लास कोक ग्लास और थम्सअप सॉरी कोक ग्लास जो भी लेने का था वो सब लेने के लिए टिशू और जो प्लास्टिक ग्लास और प्लास्टिक ग्लास लिया है। फिर ये दो बिकोला लिया है। गाइस हम लोग इस सारे प्रोडक्ट अवॉइड करें इसलिए हम लोगों ने स्प्राइट और थम्सअप नहीं लिया है। इसका सारा सामान लिया है हमने बिकोला इकोला एंड ऑल सब मिला के इतनी बड़ी गोनी में इरफान लेके जा रहे हैं सामान। अभी हमने लिए थे मुझे दिखाओ तो सबको दिखाना था तो पानी पसीने निकल रहे। तो गाइस ये हमारी छोटी सी आगे हमें सामान ज़्यादा से ज़्यादा हो गया। ये पानी हुए है 24 बॉटल का और ये है इसमें टिशू वगैरह है वो सब। यहाँ पे मेरे बेचारे हस्बैंड को बहुत पसीना आया है माय गॉड। अब ये लेके उतरेंगे बिकॉज ये मेरे गाइस ये सामान देखो गोली। अब ये भी लो एक हाथ से तुम पकड़ नहीं पाओगे इसको इरफान। ओ बाहुबली
आए हैं चिकन लेने के लिए, बाकी सामान तो हो गया है, बस थोड़ा चिकन बाकी है वो लेंगे एंड फिर कल बारबेक्यू का इंतजाम हो जाएगा गाइस। यहाँ पे अभी बन रही है कैरी और पुदीने की चटनी, बिकॉज गाइस कल हम लोग वहाँ पे बारबेक्यू करने वाले हैं रात में, तो बारबेक्यू के साथ चटनी चाहिए थी पुदीने की, कोथमीर की चटनी, तो मैं वो चटनी बना रही हूँ गाइस। एंड कल हमें सच में बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। इरफान बोलते कि आज तो हम पूरी रात सोएंगे ही नहीं, मैंने बोला नहीं इरफान सोना भी जरूरी है, सो अभी हम मैं पहले चटनी बनाऊंगी फिर हम खाना खाएंगे फिर हम चिकन मैरिनेट करने बैठेंगे। इरफान ने देखो ये क्या किया, ये इन्होंने हाउजी के लिए इतने सारे चिल्लर लेकर आए गाइस, ये सब हाउजी के लिए लाया हूं मैं, और ये देखो और चिल्लर तो देखो कितने नए नए हैं, और ये देखो कैसे, ये भी हाउजी के लिए लाया हूं, ये थोड़े बड़े लोगों के साथ हाउजी खेलेंगे, थोड़ी ज्यादा वाली हाउजी तो ये उसके लिए। हाँ ये देखो, बाप रे इरफान, मैं बहुत सारे पैसे लाया हूँ हाउजी के लिए, सबको कल तुम भी दोगे क्या पैसे? ये देखो गाइस कितने सारे एकदम ऐसे गोल्ड कॉइन्स लग रहे हैं, एकदम नए नए कॉइन लेकर आया, कहाँ से लेकर आए तुम ये जान? हाउजी से लेकर आए गाइस, वो देखो वहाँ पे पूरा हमारा सामान रखा है लेके जाने का, थोड़ा पीछे उठो, देखो पूरा सामान रखा है गाइस। तो सबसे हार्ड काम चालू हो गया अभी, ये मेकअप ये मेन काम है इरफान, अगर चलो दूसरे काम छूट भी गए तो ये मेन है सबसे। सना ये फालतू काम है सबसे, तुमको पता है सबसे फालतू काम है ये, सबसे मेन काम। तुम लोग लिपस्टिक लगाने के लिए इतना सब क्या सामान, मेकअप क्या है, हम लोग को देखो खाली मुंह धोते हम लोग फेस वॉश है और बस चलो, और तुम लोग मुंह धोने के बाद भी इतना ये लगाते हो, डिस्टेम्बर तो बहुत कम है, बहुत कम है, फिर बस कुछ भी नहीं है ये, तुम देखोगे ना लोगों के मेकअप तो तुम बोलोगे कि कितने मेकअप होते हैं, बहुत बहुत नॉर्मल मेकअप है बस, उसको तुम बहुत बोलते हो, फिर भी बहुत बहुत ज्यादा है। गाइस अभी हमारा जो चिकन है वो साफ हो रहा है गाइस, ये देखो ये क्या मगजमारी चालू है। सो गाइस मैं ट्राई कर रही हूँ कि मेरा जो मेकअप का सामान है वो इसमें आ जाए, बट मुझे लग नहीं रहा है कि इसमें आएगा। अरे बट क्यों लाना है इसमें सना, दूसरी चीज है उसमें ले लो यार, बट बिकॉज ये देखो ना कितना मस्त लग रहा है ये, अच्छा लग रहा है बॉक्स, फिर भी ठीक है, बट मेरा ये फाउंडेशन नहीं आ रहा है, आई शेडो पैलेट भी नहीं आ रहा है, बट अगर मैं सिर्फ एक तो गाइस पता है कितना सोच सोच के मैंने लिपस्टिक के शेड्स लिए, कि मैं जो लोनावला में ड्रेस पहनूंगी उस पर कौन सा शेड लगाऊंगी, फिर मैं जो वहाँ पे नाइट ड्रेस पहनूंगी मैं उस पर कौन सा शेड लगाऊंगी, सोचते सोचते भी लिपस्टिक, फिर मैं जो वहाँ पे पूल में जाने के बाद बाहर निकल के आऊंगी तो मैं कौन सा शेड लगाऊंगी, बहुत मगजमारी है यार हम लोगों की। रात के 1 बजे है, देखो 1 बजे सना मुझे बोल रही है कि ये मैरिनेट करो 5 किलो चिकन, कल सुबह 7 बजे उठ के हमें तैयार होके जाना है, और ये देखो वैसे भी ना ये सोने नहीं वाले, अभी ये 2:30 बजे सोते हैं, अभी जरा भी नहीं सोने वाले, और अभी चिकन मैरिनेट करने वाले हैं इरफान द शेफ। सो गाइस ये मसाला है, ये चिकन है, ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, अभी हम इसको करने वाले हैं मैरिनेट, एंड गाइस आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर टुमारो बिकॉज हम जाने वाले हैं कहाँ, लोनावला जाना, लोनावला डालेंगे गाइस, ये 5 किलो चिकन है और 5 किलो चिकन हम लोगों ने पूरा बोनलेस लिया है, बिकॉज बोनलेस में क्या मजा आता है, टिक्का खाने में मजा आता है, और गाइस हम लोग ये बारबेक्यू करने वाले इसके लिए बोनलेस लिए, वो तो यस अदरक लहसुन का पेस्ट इसको हम मिक्स करेंगे सबसे पहले, इतना सारा डालोगे सना पागल हो गया, पूरा डालूंगी पूरी बॉटल, क्या इरफान तुम्हें लगता है कि अपन पूरा एक साथ इतना सारा कर पाएंगे इसमें चिकन मैरिनेट, बिकॉज करना तो मैरिनेट तुमको ही है, मैं नहीं करने वाली हूँ गाइस, बिकॉज जो मेरे नेल्स है वो थोड़े से मैंने शेप दी है तो मुझे ऐसा है कि मेरे नेल्स खराब नहीं होने चाहिए, उसमें चला जाएगा अंदर। गाइस यहाँ पे इरफान धो रहे हैं चिकन, बिकॉज मैं नहीं धो सकती इसलिए इरफान धो रहे हैं, और हम लोगों ने चिकन दो कर दिया, एक इसमें कर दिया है एक उसमें कर दिया है, ये थोड़ा इजी हो, मैंने कैमरा सेट कर दिया बट इरफान तो अभी भी नहीं आ पाया कैमरा में, इरफान थोड़ा सा नीचे हो जाओ, अब एकदम दोनों बराबर है, इरफान बहुत बड़े गाइस, सो मैं इसमें डाल देती हूँ दोनों में, थोड़ा
इतना सा इरफान अंदाजा मुझे आ गया है, मैं इतना खाना बनाने लग गई हूँ। ये है गाइस पाकिजा चिकन मसाला, चिकन टिक्का मसाला, वेरी गुड, अवेलेबल है चिकन शॉप। इरफान कितने लंबे हो यार, तुम दिख भी नहीं रहे हो तुम इसमें। दो मैं इसमें डालता हूँ ना यार। हाँ मेरे को दिमाग में नहीं आया कि इरफान भी कर सकते। गाइस ये मैंने कभी नहीं किया है और ये फर्स्ट टाइम मैं कर रहा हूँ। ये देखो ये मैरिनेशन कर रहा हूँ मैं, और सना का भी ऑलमोस्ट होने आया है। ये बहुत मतलब हार्ड चीज़ है मेरे हिसाब से तो। इरफान ये तो मतलब इतनी भी हार्ड नहीं है, बट फिर भी ठीक है हार्ड। अभी जिसने कभी किया नहीं, गाइस हम जैसे लोग हैं खाली खाने का काम है हमारा, बनाने का नहीं है, तो इसके लिए ज़्यादा पता नहीं है। बट फिर भी ठीक है, ट्राई करें फर्स्ट टाइम मैरिनेशन, तो थोड़ा पता चल गया। नेक्स्ट टाइम अगर हम दोस्त लोग जाएंगे तो थोड़ा मैं भी कर सकता हूँ। हमारी जो पूरी पैकिंग वगैरह है वो पैकिंग भी पूरी हो चुकी है। ऐसे लेंगे। So guys, हमारी जो पैकिंग है पैकिंग में पूरी हो चुकी है। रात के बज रहे हैं दो। गाइस वैसे तो हम लोग लेट ही सोते हैं, बट कल थोड़ी सी फैमिली आउटिंग है तो इसलिए ज्यादा नींद जल्दी आ रही नहीं है। बस यही सोच रहे कि जैसे ही विला पहुंचेंगे तो स्विमिंग पूल कूद जाएंगे, स्विमिंग पूल में कूद जाएंगे, कोई ये करेगा कोई वो करेगा, सब लोग यही डिसाइड कर रहे हैं, तो किसी को नींद नहीं आ रही है। बट सोना पड़ेगा क्योंकि अगर सोएंगे नहीं तो सुबह हाँ नहीं आएगी। सुबह हम लोग उठ नहीं पाएंगे, फिर उठ नहीं पाएंगे तो हम लोगों को रात में नींद आएगी, फिर हम लोग रात में जल्दी सो जाएंगे। एंड गाइस अभी न्यूज भी आई है कि लोनावला एंड पुणे में भारी बारिश भी हुई है, मुंबई में मतलब भारी बारिश का कुछ है। तो अगर लोनावला में हम लोग गए और बारिश हुई तो बहुत मजा आ जाएगा, बहुत मजा आ जाएगा। तो अलग मौसम हो जाएगा, मतलब गर्मी में अगर वो बारिश वाली वाइब्स आ जाएंगी, बट हो गया तो अच्छा है। एंड सब कुछ हो गया, बहुत सारा सामान था जैसे आपने देखा होगा हमने ले लिया है, एंड वो काम हम दोनों का ही था तो हम दोनों ने कर लिया, वो अल्हम्दुलिल्लाह हो गया सब कुछ। मैरिनेट हो गया, सब कुछ हो गया, हमारी पैकिंग भी हो गई, अभी हम बस सोने जा रहे हैं। सुबह उठना है, सामान लेके नीचे उतरना है एंड तो लोनावला जाना था बस जाने का ब्लॉग। और इंशाल्लाह आगे और ब्लॉग आने वाले हैं, हम लोग वहाँ पे जाएंगे, आपको विला दिखाएंगे, सब कुछ दिखाएंगे। हाँ और हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस सोचे, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो सोचे, सो आप लोग प्लीज आगे के ब्लॉग जरूर देखना, आप लोगों को ब्लॉग में बहुत मजा आएगा। बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे चैलेंजेस सोचे हैं, हम लोग ने हुला लूप चैलेंज सोचा है और भी बहुत सारे हैं, तो आप लोगों को बहुत मजा आएगा, आप लोग ब्लॉग आगे तक जरूर देखना। तो ये ब्लॉग आज यही एंड करते हैं और इंशाल्लाह दुआ करते हैं कि आप मतलब सबके लिए दुआ कीजिए आप लोग भी जी, और बस ऐसे ही सबसे प्यार करिए, अपनी अम्मी से प्यार करिए, अपने अब्बा से प्यार करिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए, अपनी बीवी से प्यार करिए, एंड बस मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग यही खत्म होता है, आप लोग अपना ध्यान रखना, दुनिया तक ना, बाय, अल्लाह हाफिज़।